सभी माता बहने तालियों के साथ बोली। भुलवाने के लिए बहुत उपाय किए थे, खम्मे से बंधवाया, कुएं में गिराया, पहाड़ से फेंका, लेकिन वो बेटा राम नाम नहीं भूला मेरी मैयो। जब बेटा को पहाड़ से फेंका है तब प्यारे प्रभु ने क्या किया? अरे जब बेटा को पहाड़ से फेंका, तब पत्थर को रूप धरी अपना, जा बेटा को लागी रही राम रचना। मेरी मैया, समझने वालों के लिए इशारा ही बहुत काफी बताया गया। और जब बेटा को समुद्र मीन, परीक्षित महाराज, अरे जब बेटा को समुद्र मीन, तब नाम को रूप धरी अपना, जा बेटा को लाग रही राम रचना। हरी राम रतना घन श्याम रतना, श्याम रतना, जाला ला तो लाग रही राम रतना। और जब बेटा को खम्ब से बांधो, जब बेटा को खम्ब से बांधो, तब चीटी को रूप धरी अपना, जलाला तू लाग रही राम रचना।
अपने पुत्र प्रहलाद को राम का नाम बुलाने के लिए जहर भी दे दिया था भगवत प्रेमियों। अरे जब बेटा तू जहर को प्यालो जब बेटा तू जहर को प्यालो तब अमरत रूप धरोरी पता जब बेटा को लाग रही राम रचना बोलिए गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी कहने लगे हे उत्तरानंदन परीक्षित, इधर प्रहलाद बोला है पिताजी मैं राम का नाम नहीं भूलूंगा। प्रहलाद बहुत समझा रहा अपने पिताजी को कि पिताजी मैं राम का नाम नहीं भूलूंगा, आप कुछ भी करो। प्रहलाद हाथ जोड़कर बोला है पिताजी हम राम का नहीं नाम भूलूंगा। क्या बोला बेटा? कि मोए राम नाम प्यारो मोए राम नाम प्यारो पिताजी मोए मत मारो प्यारो पिताजी मोए मत मारो मत मारो बाबुल मत मारो मोए हरि को नाम प्यारो मोए हरि को नाम प्यारो पिताजी मोए मत मारो मेरे प्यारे भक्तों। आज प्रहलाद कहने लगा पिताजी मुझे राम का नाम प्यारा मुझे मारो नहीं। मेरे भगवत प्रेमियों, इधर प्रहलाद ने अपने पिताजी को बहुत समझाया लेकिन हेड़ा कश्यप नहीं माना कि हम तुम्हें उस शत्रु का नाम नहीं लेने देंगे। मेरे प्यारे भक्तों, जो हेड़ा कश्यप की बहन थी हमने आपको अभी बताया था सिंह का, यह सिंह का हेड़ा कश्यप ने अपनी बहन का विवाह किया था। बोला था जो मेरे बहन को युद्ध करके ले जाएगा मैं उसी को अपनी बहन दे दूंगा। इधर हेड़ा कश्यप की बहन जो थी सिंह का, इसका विवाह होने के बाद हेड़ा कश्यप ने अपने बहनोई को भी मार दिया था। क्योंकि कि उसके बहनोई ने युद्ध करके सिंह का को लिया था। उसी बात को लेकर सिंह का ये कहने लगी थी कि भैया तूने मेरे कुल का नाश किया तो मैं भी किसी दिन तेरे कुल का नाश करूंगी। मेरे प्यारे भक्तों, आज इधर जब सिंहका ने यह बात सोची उसी समय हेड़ा कश्यप अपनी बहन सिंहका के यहां गया। बोला बहन मेरा जो पुत्र है
वो हमारे शत्रु का नाम लेता है। मेरे भगवत प्रेमियों, सिंह का के पास दो चीर थे, सिंह का के पास दो चीर थे, प्रसाद लिए जाओ बहना। शीतला चीर था, सिंहका के पास शीतला चीर था। जिस वक्त हेड़ा कश्यप ने कहा कि बहन हमारा पुत्र उस शत्रु का नाम नहीं भूल रहा है, आज जैसे ही सिंहका ने कहा कि आज तुम हमारे दाय पर फंस गए हो, तुमने हमारे कुल का नाश किया, मैं तुम्हारे कुल का नाश करूंगी। मेरे भगवत प्रेमियों, उसी समय सिंह का तैयार होके अब वो शीतला चीर लिया, तुरंत भाई के यहाँ आ गई। मेरी मैया, ऐसी भी एक बुआ हुई थी जो अपने भतीजे के प्राण लेने आई थी, ऐसी भी एक बुआ हुई थी। आज वो सिंह का ने प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठा लिया और वो शीतला चीर उड़ लिया। शीतला चीर का मतलब कि वो शीतल माने इतना ठंडा था कि शीतला उससे, सिंह का उससे जलती नहीं, शीतला चीर से। उसने कहा हम शीतला चीर उड़ लेंगे और प्रहलाद जल जाएगा, मैं शीतला चीर से बच जाऊंगा। मेरे भगवत प्रेमियों, उसी समय सिंहका ने अपने भतीजे को गोदी में बैठाया और वो शीतला चीर ओढ़ लिया। आज जिस वक्त लकड़ी इकट्ठी करवा के शीतला ने आग लगवाई शीतला चीर से, आज वो शीतला चीर तो जला नहीं, वही शीतला चीर उड़ के प्रहलाद के ऊपर गिर पड़ा और जो आग लगी उससे सिंह का जल गया। बोलिए गोविंद भगवान की। इसीलिए इंसाफ दिया गया है कि दूसरे को गड्ढा खोदोगे खुद ही गिर पड़ोगे। एक छोड़ एक पकड़ियो तो जो ही हुई। अच्छा तो मेरे भगवत प्रेमियों, जिस समय शीतला चीर ओढ़ करके मैया सिंहका ने ये कार्य किया, आज बेटा प्रहलाद बच गया, राम का नाम लेता हुआ उसी अग्नि से बाहर हो गया। उसी दिन से मैया सिंहका का नाम होलिका पड़ गया। जो होली का त्योहार मनाते हैं, ये वही सिंह का थी, इन्हीं का नाम होलिका है। ये होलिका हेला कश्यप की बहन थी, इसीलिए बता रहे मेरी माताओं, किसी के लिए बुरा नहीं सोचो। और खास करे का बात आ गई समझ में तो बता दे कि नारी हो, कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी सुंदर हो, और अगर दूसरी उससे थोड़ी कम सुंदर है तो उसमें तुरंत कमी निकाल देगी। नी की खूब लग, लेकिन दुतिया नहीं अच्छी पहनी, दुतिया तो अच्छी है, निकर है, चौड़ो है, निक पतरी होती तो नी की लगती। अगर पतरी है बना सू की धरी निक मोटी निक होती तो नी की लगती। मतलब है हर तरीके से कमी, कितनी भी सुंदर स्त्री हो उसमें कमी फट निकाल दी। हम पराई नहीं कह रहे, हम ही से पता नहीं यहाँ कितने कहा कुन्नी की नहीं गात बाजू नहीं समझ गया, पता नहीं कहा गात रहा है कमी। चाहे अपनी समझ चाहे कितो भी समझाओ है कमी। तो इन नारियों के अंदर खास आदत है। और माताओं बहनों, आपके यहाँ की बात नहीं कर रही, हमारे यहाँ बहुत है ये बात, यहाँ तो बहुत बढ़िया है, झूठ नहीं बोलेंगे, बहुत सेवा होती है हमारी,
बहुत सम्मान मिलता है, यहाँ की माता बहने बहुत बढ़िया है, और भैया लोग तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे, जबकि सीमा ही नहीं, पता ही नहीं कितने अच्छे, बहुत अच्छे। बोलिए गोविंद भगवान की। तो नारियों में कमी बताई है, ये लिखा है कभी ने, माता बुराई मत मानना, आप लोगों की बात नहीं कर रही हूं। नारी है जा अकल की मारी, बारी कमी है नारी में। बावत नहीं नारी को नारी, बारी कमी है नारी। बता दे कितनी हो बे रूप स्वरूप जय सबते अगरी जानो, कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी रूपवती हो, लेकिन ये सबसे आगे है। 36 विद्या बताई गई, 36 तो आदमी में नहीं हुई है, 26। पूरी चाल से महाराज, चक्कर मत लेना, चलते बखत दोगे। कितनी हो वे रूप स्वरूप जय सबती अगरी जानो, और पर नारी की करी बुराई खुद को बढ़िया मानी। पर नारी की करी बुराई खुद को बढ़िया मानो। भैया घायल, भैया ताई सोई नकी ख्वारी, भैया ताई सोई नकी ख्वारी, बारी कमी है नारी। भैया मेरी मैया, आज तो ऐसे हमारी तुम्हारी लगी, कैसे बताए दे, आज परीक्षा तुम्हारा चाय लेके आए तैयार हुए। बाबत नाई नारी को नारी, बाबत नाई नारी को नारी, बारी कमी है नारी। और ए पर नारी की करे बुराई खुद को बढ़िया मानी, पर नारी की करे बुराई खुद को बढ़िया मानी। पर नारी की जरूर बुराई है, अपन चाहे बनाए करिया धरियो लोहार। खुद की सूरत कौन आई देखे सूरत कारी का, खुद की सूरत कौन आई दे भी सूरत कारी का, ए सूरत कारी कारी चाहे देखत उलटी आवे। खुद की इतनी खराब होए जे कहता ही खेलो उल्टी आ जाए, हंसी में लमा होने लगे। हाँ ए पर नारी की करी बुराई देखत उलटी आवे, भैया ताई सोने की ख्वारी बारी कमी है नारी।
नहीं नारी को नारी बारी कमी है नारी में। इसीलिए कहती हूँ माताओं, कभी किसी की बुराई ना करो, ना किसी के लिए बुरा सोचो। और अक्सर कर बात तो ये है कि इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, मगर दूसरे के सुख से दुखी है, और ये नहीं सोचता कि हम उसके बारे में बुरा ना सोचें तो वो हमारे किसी दिन सहारा भी दे देगा हमारा। और जब तुम किसी आदमी की कटिंग करोगे, बुराइयां करोगे, तो वो तुम्हारा साथ नहीं देगा मेरे भगवत प्रेमी। बाबत नहीं नारी को नारी, बाबत नहीं नारी को नारी, बारी कमी है नारी। नारियों के अंदर ये तो खासियत बताई गई, कितनी भी सुंदर हो लेकिन है बुराई। और एक बात और बता दे कि इंसान इतनी बुराई नहीं करता, आदमी आदमी की कटिंग नहीं करेगा, और लेकिन औरत औरत की कटिंग कर देगी। मर्द और नर में क्या मतलब। और एक बात और बता दे मेरी माताओं, औरत यहां से लेके और पैर की उंगली तक बंधी हुई है और फिर भी कब्जे में नहीं रहती है। हाँ नथी डरी और फिर भी कब्जे में नहीं रहती, यहां से और यहां तक बंधी और फिर भी कब्जे में नहीं है। मन चाह वो कर सकती, आदमी कभी नहीं रोक पाएगा। परिचत मारा तुम्हारे साथ हुआ कभी? मेरे प्यारे भक्त बता दे मेरी माताओं, हमारे तुम्हारे जे बारह बंधे बंधे हाँ, और जे कानू बंधे और जू बंधो और जेऊ बंधे और करियऊ बंधो और नरियऊ बंधी और अंगुरियऊ बंधी सब बंधे, और फिर भी नारी एक दो तीन, फिर भी एक दो तीन, तेरे कैसे तो रोकऊ ना ही पई ऐसे ही डाड़े रे। मोए मालूम है, कसम खाए की कह रही जाई की रोज बहुजा की सवेरे संजालो पता नहीं कितनी गारी दे तू और करे तो ऊपर बढ़ाई। इतनो डरात हुए, इतनो डरात हुए कि वह संजा कह दे के 500 चाहिए तो चाहे गोबर को पल्ला डाले और 500 दिए। अबे ब्याह बहु नहीं हम आओ 500 हम कहां से लिए हैं। ए बोलो महाराज, झूठी मत कहो, देखो सही कह रहे हैं, हम झूठ नहीं कह रहे। झूठी कहने से क्या है, तुम हमें पैसे दे दोगे? खाओ पानी की जमीर ब्याह होगा ना मैया आपकी नहीं कर रहे। हमने बताई थी कि यहाँ की माता बहने बहुत अच्छी हैं। तो मकाए गुस्सा हो गई, तो मेरी माता औरत यहां से यहां तक बंधी है और फिर भी ये कब्जे में नहीं रहती। इसीलिए स्त्री की कोई जात नहीं बताई गई, स्त्री की कोई जात नहीं होती है। मेरी मैया बता दे हम कि औरत बंगी के साथ भी चली जाएगी और औरत चमार के साथ भी चली जाएगी और धोबी के साथ भी चली जाएगी। जिस जात में पहुंच जाएगी वही जात की हो जाएगी। अहीर है को मुसलमान के साथ चली जाए तो वो क्या अहीरी जात जोड़ दी, उसकी कोई जात नहीं होती। इसलिए बताई गई है माताओं। तो होलिका ने ये नहीं सोचा
मेरी मैया आज होलकारी ये नहीं सोचा कि हम अपने भतीजे को जलाने आई, और अक्सर कर भाई से भतीजा ज्यादा प्यारा होता है। मेरी मैया कैसे, हम और आपको पुत्र से नाती ज्यादा प्यारे होते हैं, होते हैं। तो इसीलिए होलका खुद जल गई, क्योंकि प्रहलाद के लिए आई थी और खुद जल गई। उसी दिन से मैया सिंहका का नाम होलका पड़ गया। उसी दिन से हम और आप ये होली का त्योहार मनाते हैं। इसीलिए हेड़ा और हेड़ा कश्यप ये दो भाई थे, ये दोनों राक्षस थे। हेड़ा और हेड़ा कश्यप जो भाई थे ये दोनों राक्षस थे। कैसे, आज भी बताया जाता है क्या जो राक्षस होते हैं वो कीचड़ की होली खेलते हैं राक्षस, और जो देवता होते हैं वो रंग और गुलाल की होली खेलते। क्योंकि प्रहलाद देवता था, हेड़ा कश्यप हेड़ाज ये राक्षस थे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। सभी माता बहने भजन बोली, और परीक्षित महाराज तुम आओ तो आरती को टाइम हो।